गाइस, एक बार फिर से क्रेजी फॉर टीवी लौट आया है बीते दिनों के साथ बड़ी खबरें लेकर। तो जल्दी से आपको बताते हैं बीते 7 दिनों के साथ बड़ी खबरों के बारे में। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज, कोकिला गोपी की वापसी की खबर ने मचाई धूम, फैंस हुए खुशहाल। बीते हफ्ते की सबसे बड़ी जो खबर रही वो ये कि मशहूर किरदार कोकिला बेन और गोपी बहू की जोड़ी का जादू फिर से दिखेगा। खबर सामने आई है कि रूपल और देवोलीना शबीर अहलूवालिया के शो राधा मोहन में कैमियो रोल करती नजर आएंगी। बता दें कि इस खबर ने फैंस को बेहद खुश कर दिया है और रूपल और देवो की जोड़ी का मैजिक देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हो चुके हैं। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज, शादी के बंधन में बंधने को तैयार एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी। हाल ही में एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने इस खुलासे से सभी को खुश कर दिया कि वो एक नेवी ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही सगाई करने वाली हैं। इतना ही नहीं, कृष्णा ने ये भी खुलासा किया है कि वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में शादी करने की प्लानिंग भी कर रही हैं। कृष्णा के इस खुलासे के बाद उनके फैंस उनके फियांसे को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने सगाई के दिन कैसे दिखेंगी। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज, खतरों के खिलाड़ी के बाद अब झलक दिखला जमी हुई रुबीना की एंट्री। हाल ही में रुबीना के फैंस इस खबर को सुनकर बेहद खुश नजर आए कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अब डांस के सबसे बड़े रियलिटी शो झलक दिखला जा का हिस्सा बनने वाली हैं। आपको बता दें कि रुबीना ने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है और उन्होंने ये बात भी जाहिर की है कि उन्हें डांस क्वीन माधुरी दीक्षित से बेहद डर लगता है। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, नागिन में आएगा लंबा लीप, होगी करण की एंट्री। इस हफ्ते नागिन 6 पर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई जिसने फैंस को भी बेताब कर दिया। शो के नए ट्रैक को लेकर जहां खबरें सामने आई कि शो में 20 साल का लंबा लीप आएगा और कहानी प्रथा की बेटी के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस के बीच में इस बात को लेकर हलचल तेज है कि शो में लीप के बाद करण कुंद्रा की एंट्री होने वाली है और सिम्बा के बाद कहानी में तेजस्वी के अपोजिट करण कुंद्रा ही नजर आएंगे। हफ्ते में छाने वाली पांचवी टॉप न्यूज, इमली के नए सीजन पर खबर ने मचाया बवाल, फैमान के लिए फैंस ने की डिमांड। पिछले दिनों इमली को लेकर भी खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। एक तरफ जहां शो में जनरेशन लीप आने वाला है तो वहीं इसी के साथ इस खबर ने फैंस की परेशानी को बढ़ा दिया है कि शो से फहमान खान एग्जिट लेने वाले हैं। फैंस खूब मांग कर रहे हैं कि टीवी की ये जोड़ी टूटे ना, लेकिन गुल खान अब शो के नए ट्रैक को लेकर क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात रहेगी। हफ्ते में छाने वाली छठी टॉप न्यूज, तारक मेहता के मेकर्स को मिली दया बैन, काजल पिसल निभाएंगी ये रोल। बीते दिनों ये भी एक बड़ी खबर रही कि तारक मेहता के मेकर्स को नई दया बैन मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि जानी मानी एक्ट्रेस काजल पिसल अब इस किरदार को आगे बढ़ाएंगी, हालांकि अभी मेकर्स की ऑफिशियली मोहर लगनी बाकी है। हफ्ते में छाने वाली सातवीं और आखिरी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आया हार्ट अटैक, एम्स में चल रहा इलाज। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आए हार्ट अटैक की खबर भी बीते दिनों खूब चर्चा में बनी रही। कॉमेडियन को वेंटिलेटर तक का सहारा लेना पड़ा। हालांकि खबरें ये भी सामने आई है कि राजू की हालत अब पहले से सुधर रही है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। फिलहाल तो यह है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।